सेक्शन में हमने बेसिक ऑफ स्किनिंग किया था, जिसमें हमने सिलेंडर के साथ बोन्स बाइंड करी थी। आज हम करेंगे कैरेक्टर स्किनिंग। सेलेक्ट रूट बोन, देन सेलेक्ट कैरेक्टर, देन फेस, देन शूज। हेयर छोड़ देना क्योंकि हेयर हम चाइल्ड पेरेंट करेंगे। गो टू बाइंड स्किन। स्किनिंग मेथड में ले लेना ड्यूल, ताकि जब हाथ मुड़े, जॉइंट्स मुड़े तो वहां पिचके नहीं। बाइंड, अब देखोगे पैर उठाने पे हमारा कैरेक्टर उठ रहा है, मतलब प्रॉपरली स्किनिंग हो चुकी है। बस कई जगह पे हमें वेट सेट करना है, लाइक लेफ्ट पैर को उठा रहा हूं तो राइट भी उठ रहा है, जो कि नहीं उठना चाहिए। कैरेक्टर काम कर रहा है, हेयर्स वहीं रह गए, तो हेयर्स को हम बोन्स का करेंगे। ओके, हेयर्स को हम बोन्स का, लास्ट वाली बोन का चाइल्ड बना देंगे। अब देखोगे हेयर्स भी साथ जाएगा। अब आंखों का करते हैं, दोनों आंखों के ग्रुप को कंट्रोल जी कर दो। और उसी बोन का चाइल्ड बना दो, तो आंखें भी साथ जाएगी। बट हमारा मेन पर्पस वेट सेट करना है, तो हम शुरू करते हैं पैरों से। वेट सेट करने के लिए क्या करना, एनिमेशन दे देना, जैसे हमने सेलेक्टर में लास्ट सेशन में किया था। सिर्फ एक पॉज बना के आपको चेक करना है कि कहां कहां वेट खराब हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट पैर क्यों उठ रहा है, राइट पैर, क्योंकि हमें वेट हटाना है लेफ्ट पैर का। कैसे हटाएंगे, विंडो में जाना, गो टू जनरल एडिटर, गो टू कंपोनेंट एडिटर। स्मूथ स्किनिंग में हमें सारी चीजें मिलेगी। तो मुझे शूज के जितने भी वर्टेक्स हैं, कंपोनेंट मोड यहां से ऑन होगा, सारे सेलेक्ट कर लो। लेफ्ट के ऊपर जिसके आगे भी L लगा है, क्योंकि हमने बोन्स का नाम दे रखा है लेफ्ट एंड राइट, जितने भी L वाली बोन्स हैं उन पर से वेट देखो 129 आ रहा है ना, जीरो करा दो। ठीक है, अब देखते हैं, अभी भी कुछ बोन्स का है वेट। हो गया सर, वो शूज नहीं है, वो पैंट है, तो हमें अब पैंट के वर्टेक्स सेट करने होंगे ना। देखो शूज अलग है और वो अलग है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। ओवरऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहां तक, और ओवरऑल जहां पे भी लेफ्ट बोन है उसका वेट घटा रहा हूं।
देखते हैं। ऑब्वियस है। अब ऐसे ही दूसरा पैर भी एनिमेट करके देखते हैं। राइट का हटाना है, अब पेंट में से हटाना है। और राइट का ही स्पाइन की भी जरूरत नहीं है। हो गया सर। अब हम करते हैं ये छोटे छोटे जैसे बॉल रोटेशन। तो बॉल रोटेशन को की किया और एक पॉज बना दिया। सब कुछ ठीक है पर यहां पे ना वेट बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कंपोनेंट एडिटर यूज कर रहे थे। अब दूसरा टूल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं राइट क्लिक करके पेंट स्किन वेट टूल। चाहे यहां से लो या स्किन में पेंट स्किन वेट टूल, दोनों जगह से आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कौन सी बॉन्ड रोटेट हो रही है। ये वाली हो रही है ना, इसका नाम है बॉल। बॉल सेलेक्ट करो, ये वाली एंकल है तो एंकल वाली बॉन्ड रोटेट हो रही है तो यहां तक इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो कलर, जहां पे व्हाइट ज्यादा है वहां पे ज्यादा वेट है, जहां व्हाइट धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, फेड हो रहा है, वहां वेट धीरे धीरे कम हो रहा है। हमें क्या करना है, वेट हटाना है। वेट एडिट करने के चार टूल्स होते हैं, रिप्लेस, एड, स्केल, स्मूथ। रिप्लेस मींस जैसे कहीं पे 50% वेट है, आप 10% डाल दो और पेंट कर दो, 50 अपने आप 10 हो जाएगा। एड मींस जैसे आप 2% लिख करके ऐड कर रहे हो तो 50 में हर ब्रश चलाने पे 2% ऐड होगा, मतलब 52। स्केल मतलब आपको 40 करना है तो स्केल के में 10% डालो और ब्रश मार दो, 50 में से 10% वेट हटना रिमूव हो जाएगा या जीरो कर दो स्केल करके, वेट ही हट जाएगा। स्मूथ मतलब फैदर, देखो धीरे धीरे फेड हो रहा है, इसे स्मूथ बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, मुझे वेट घटाना है तो स्केल लेना और मान लो यहाँ चाहिए ही नहीं तो जीरो कर दो, वैल्यू को जीरो कर दो। बी के साथ ये ब्रश छोटा बड़ा होता है, देखो यहाँ से वैल्यू हटा रहा, जहां से वैल्यू हटा रहा हूं वहां इंपैक्ट देख रहे हो हट रहा है, मुझे यहां वैल्यू चाहिए ही नहीं। हम वैल्यू देंगे पर पहले जीरो कर रहा हूं फिर मैं स्मूथ मारूंगा यहां पे। अब मारो स्मूथ, स्मूथ मतलब फैदर, सॉफ्टली। काफी समझ आ रहा है। आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं चलना चाहते तो आप यहां से यूज कलर मैप रैंप भी कर सकते हो। जहां पे रेड है वहां 100% वेट है, जहां ऑरेंज 80, 60, 40, ब्लू मतलब जीरो, यहां वेट ही नहीं है। तो आप कलर रैंप ऑन करो ना करो आपकी मर्जी है, और मैं मोस्टली मेरे को ये बढ़िया लगता है व्हाइट टू ब्लैक, जहां ब्लैक है जीरो, जहां ग्रे है 50%, जहां व्हाइट है 100%।
तो यह प्योर व्हाइट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्योर व्हाइट करने के लिए क्या करना, एड और वैल्यू वन, वैल्यू मतलब 100%, ये 100% है, ये परसेंटेज है। तो देखो प्योर व्हाइट हो रहा है मतलब 100% वेट आ रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे तो 100% वेट होना ही चाहिए क्योंकि बोन यहीं पे है। और 100% करने के बाद स्मूथ मार देना। स्मूथ क्या करता है, वो फॉलो अप दे देता है। बस हो गया परफेक्ट। अब पैंट पे भी मारते हैं। पैंट देखो शूज से बाहर आ रही है, तो पैंट के लिए अलग वेट होगा, अलग प्रॉपर्टी होगी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या बोला मैंने, ऐड थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाओ। ये बढ़ाते ही अपने आप बाहर आ गया। स्मूथ जरूर चला देना, स्मूथ बहुत काम की चीज है। प्रेस करके देखते हैं, तो डिफॉल्ट ही बाहर है तो वो हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए। समझ आया यहां तक स्क्रीनिंग? ये देखो यहां पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है। शूज का थोड़ा हमें वेट कम करना है। देखो एक बारी में अंदर चला गया। तो आप क्या करो, ये सेकंड लेवल है स्किनिंग का। फर्स्ट लेवल लास्ट सेशन में कराया, सेकंड लेवल आज कराया, थर्ड लेवल और ऊपर जाते जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।